Wir geben in der Zeitung eine Suchanzeige auf und dann bin ich mir sicher, dass sich jemand darauf melden wird. Richtig. Und noch was. हेलो हसमुख भाई। हाँ सर, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। बस ठीक है और बहुत दिन के बाद क्या बात है? यस डबिंग। आ जाओ। क्या बात है, हॉलीवुड की फिल्म का चल रहा है डबिंग? हाँ चल रहा है डबिंग, ने इसको एफएक्स एमबीएस पे काम हो रहा है अभी। एफएक्स एमबीएस, हाँ एमबीएस वगैरह काम हो रहा है अभी। और कैसे बाकी सब, तबियत पानी? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो क्या नया क्या चल रहा है आजकल? नया आजकल बस आपसे ही मिलने के लिए आए थे आजकल। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बोलिए हसमुख भाई, हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज गाइड कीजिए कि अगर वो डबिंग में करियर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक डबिंग की ही नहीं है, तो वो कैसे समझे कि मेरा वॉइस क्वालिटी क्या है और क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है उनको इस फील्ड में करियर करने के लिए? देखो वॉइस कैसा है क्या है वो तो उनको खुद को पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जो जिसको डबिंग में इंटरेस्ट है, डबिंग करना चाहता है, डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहता है, बेसिकली लोग टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उनके जो अनाउंसर रहते हैं उनकी आवाज़ें सुनते हैं, तो थोड़ा सा उनको फॉलो करेंगे, थोड़ा सा फॉलो करेंगे कि समझो कि अमीन सयानी जी है तो उनको नहीं पहचानते, या कोई रेडियो जॉकी है तो उनकी आवाज़ सुनते, वो आवाज़ को वो जब रिपीट खुद बोलेंगे तो डबिंग करना सीखना है तो हम उसको पहले फॉलो किया। टेलीविज़न में कोई शो चल रहा है, कपिल शर्मा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसे हमने फॉलो किया कि वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है, तो वो अगर हम जब बोलते हैं वो बोलने के वक्त ही हमको पता चलता है कि मैं कट टू कट इसके साथ करेक्शन चल रहा हूँ, मेरी लाइनें कट टू कट जा रही है, मेरे वर्ड प्रॉपर आ रहे हैं, मेरे एक्सेंट प्रॉपर आ रहे हैं, मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, परफेक्ट डबिंग आर्टिस्ट बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। और उसके लिए उसको टेस्ट लेना ज़रूरी नहीं है, जब उसको उतना कॉन्फिडेंस हो जाता है किसी भी स्टूडियो में जाएगा अपने आप डबिंग कर लेगा। और इसमें भाषा और उच्चारण का महत्व? भाषा उच्चारण का महत्व सबसे बड़ा है क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली फिल्में, समझो कि मैं बोलना चाहता हूँ गुजराती मूवी बनती है, मराठी मूवी बनती है, हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, हिंदी हमारी कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन मराठी जो है लैंग्वेज, आज वो लैंग्वेज का अपना एक वजन है, एक मराठी लैंग्वेज का एक एक्सेंट है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जाएंगे तो अलग अलग जगह पे जाएंगे, कोल्हापुर जाएंगे, सांगली जाएंगे, कहीं जाएंगे, थोड़े थोड़े एक्सेंट वर्ड थोड़े थोड़े चेंज होते जाते, ऐसे हर जगह होता है, चाहे गुजरात में चले जाओ, चाहे पंजाब में चले जाओ, सब जगह चले जाते, लेकिन फिर भी एक स्टेट की अपनी एक कॉमन लैंग्वेज रहती है, जो लैंग्वेज के हिसाब से ही हमें उस फिल्मों में या सीरियल्स में डब करना होता है, क्योंकि वो बनता है इन सारे लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए बनता है, इसलिए नहीं बनता है कि पर्टिकुलर एक गांव के लिए या एक जगह के लिए, इसलिए उसमें एक्सेंट वर्डिंग और वो आना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक वो नहीं आएगा आप अच्छे डबिंग आर्टिस्ट नहीं बन सकते। परफेक्ट दोस्तों, वो कैसे सुधारे उस पर एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, जल्दी मेरा एक नया वीडियो आने वाला है जिसमें उच्चारण और भाषा उसी पर हम लोगों ने तकरीबन 40 मिनट का वो नया वीडियो है, वो जल्दी हम अपलोड करेंगे। इसी के साथ साथ अभी आप, मैं वैसे लाइव गया था यूट्यूब से लेकिन कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं था, तो फाइनली मैंने मेरे मोबाइल से ही ये शूट कर लिया, नहीं तो आपके जो सवाल है ऑनलाइन लाइव वो सवालों का भी जवाब हसमुख भाई दे सकते थे, लेकिन अब आपके जवाब, आपके सवाल क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर कुछ आपको पूछना है तो। और हसमुख भाई और कुछ बताना चाहेंगे आप?
कि नए जो छोटे छोटे गांव में या छोटे छोटे शहरों में जो एक्टर्स मेल फीमेल एक्टर बनना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर करना चाहते हैं, आप एक सीनियर आर्टिस्ट है इस टेक्निकल वर्ल्ड के, आपकी फील्ड के मास्टर है आप, तो एक जनरल आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? सलाह में देखो कैसा है कि आर्टिस्ट हर कोई बनना चाहता है। आज हमारे देश में अलग अलग प्रांत से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से हजारों बच्चे आते हैं, हजारों लोग आते हैं कि हमको आर्टिस्ट बनना है, हमको पिक्चर करनी है, सीरियल करनी है। तो वेलकम, आओ, जरूर आओ, करना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ये मत करो, वो मत करो, लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने थोड़ी टिप्स आपको दी, नहीं समझ में आता है तो आप किसी की गाइडेंस लीजिए कि हमें इस वर्क में जाना है तो किस तरह से हम इसमें जाए, क्योंकि आप डायरेक्ट आके कहीं भी भटकते रहोगे, भटकते भटकते तुम्हारा समय नष्ट हो जाएगा और जिस टाइम पे जो वक्त पे जो काम होना चाहिए वो नहीं होगा, आप उसमें लेट हो जाओगे। जब लेट हो जाओगे तो आपका जो कैरेक्टर बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। बाकी वेलकम बहुत ही अच्छी चीज़ है, आर्टिस्ट बनना चाहिए। हमें ये ज़रूरी नहीं है हमारा लुक कैसा है, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, हमें आर्टिस्ट बनना है तो एज ए आर्टिस्ट दिमाग में एक चीज़ घुसनी चाहिए कि मुझे आर्टिस्ट बनना चाहिए, मैं कैरेक्टर में जा सकता हूँ। बस आप कैरेक्टर पकड़ लो, आप आर्टिस्ट बन गए। परफेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हसमुख भाई ने हमें दी है दोस्तों, जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हसमुख भाई का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है गोरेगांव में, गोरेगांव वेस्ट में, राइट? और यहाँ पर डबिंग फॉली सर अपने का या अपने इस स्टूडियो पर क्या क्या काम होता है प्लीज़ थोड़ा बताएंगे? जैसे हमारे वहाँ शूटिंग के बाद का टोटल वर्क, जैसे हम इसको बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तो हमारे पास टोटल पोस्ट प्रोडक्शन होता है। जब हमारे पास शूट होके फिल्म आती है उसका एडिट से लेकर DI तक, जिसमें आप फॉली, एफएक्स, एम्बियंस, म्यूजिक, बैकग्राउंड, स्टॉक इफेक्ट, सारी चीजें, जो भी चीज टोटल पोस्ट, मतलब आप शूट करके लाइए, यहाँ से पूरी फिल्म ले जाइए विथ सेंसर सर्टिफिकेशन के साथ। सेंस, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अंडर वन रूफ यू विल गेट एवरीथिंग, ऐसा है। अब हसमुख भाई से अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो अब हसमुख भाई आपको नंबर देना चाहते हैं, मेल आईडी देना चाहते हैं, एड्रेस बताना चाहते हैं, मैं नहीं जानता, मैं वो डिपार्टमेंट उन्हीं को सौंप देता हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है ऑल ओवर द इंडिया से चैनल देखते हैं, तो अगर किसी को डबिंग या उनसे रिलेटेड पोस्ट प्रोडक्शन का काम करना हो तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए, बेस्ट वर्क है। मेरा जो काम होता है मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वो भी यहीं से होता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है डबिंग की। सर वैसे हमारे स्टूडेंट का कैसा था परफॉर्मेंस? नहीं, बढ़िया। देखो परफॉर्मेंस में क्या होता है, बच्चे सीख रहे हैं हाँ तो सीख ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर एक लगन दिखी मुझे, मुझे लगा कि बच्चे सही में आपके इंस्टीट्यूट से आए तो वो एक ऐसा जहन में घुसा के लाए थे कि आज हमें कुछ करके दिखाना है। तो एक उनके अंदर एक मुझे दिखा कि वो बच्चे फ्यूचर बनना, फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, और ये फ्यूचर हमारे लिए भी अच्छा है ना, कि तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपके इंस्टीट्यूट से जो बच्चे आए उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये सब आपका बड़प्पन है दोस्तों। हमारे जो स्टूडेंट है, जो बैच होती है, उन्हीं स्टूडेंट को हसमुख भाई अपॉर्चुनिटी देते हैं डबिंग करने की, और वो भी अच्छे बड़े फिल्म के लिए। मैं नाम नहीं ले सकता फिल्मों के, कुछ बॉलीवुड के, कुछ हॉलीवुड के भी है जहाँ पर डबिंग करनी होती है, कुछ साउथ के है। तो थैंक यू सो मच हसमुख भाई। और अगर किसी को आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा पोस्ट प्रोडक्शन के लिए तो उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे, कहाँ कॉन्टैक्ट करें? कांटेक्ट में तो ये जो हमारा स्टूडियो है गोरेगांव का, राइट चॉइस स्टूडियो, नेट से भी आपको पता चल जाएगा, नहीं तो बेसिकली मेरा नंबर जो अभी मैं बोलता हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 9323279515, दूसरा नंबर है 8097204489। दोस्तों ये नंबर सेव कर लीजिए, जब भी आप मुंबई आएंगे या पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी काम हो हसमुख भाई से कांटेक्ट कीजिए, उनको रेफरेंस बताइए, विनय शाक्य जी ने आपका नंबर दिया है, वो आपका वीडियो देखा था। लेकिन दोस्तों उनको कोई भी अटपटा सवाल मत पूछिए, बिकॉज ही इज़ अ बिजी पर्सन, कंटिन्यू डबिंग उनका काम चलता रहता है, तो शायद आपको समय ना दे पाए। लेकिन अगर आप शॉर्ट फिल्म फिल्म या जो भी आपका पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा उससे रिलेटेड आप डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हसमुख भाई बहुत 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 शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे व्यूअर्स से इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हसमुख भाई आप अपने अंदाज में हमारे व्यूअर्स को बताइए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए आप कैसे बोलेंगे?
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अपने अंदाज में। देखो इसमें अंदाज की क्या बात है, अंदाज अंदाज क्या होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जिस इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री आज ब्लैक एंड व्हाइट से कलर जमाने से कहाँ पहुंच गई है। तब सब्सक्राइब होता नहीं था, आज क्या करना है। आज हमको एक मौका है कि हमने विनय भाई के चैनल से इस चीजों को देखा, सुना, समझा, तो ये अच्छा लगा है, तो फिर सब्सक्राइब करना जरूरी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू दोस्तों। हाँ, ये नीचे जो बटन है ना उसी पे, एंड थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।